मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने रविवार को इंदौर में कहा है कि वह लोक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सावेर की जनता का भी आभार माना। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट रविवार को इंदौर आए। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेता लकी अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही बाणगंगा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन किया। इस मौके पर मंत्री सिलावट का जोशीला स्वागत भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर जोश भी दिखाया और मंत्री जी के आगमन पर खूब गर्मजोशी भी दिखाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट बोले कि आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी संसाधन बढ़ाए जाएं, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिया, क्योंकि आम जनता का विभाग है। मेरा भगवान के चरणों में यह संकल्प है, आम ने जिस विश्वास के साथ इस लक्ष्य को लेकर मुझे जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है, आम जनता की सेवा करना, उनका इलाज समय पे हो, उनका उपचार समय पे हो, मेरी प्राथमिकता पहले ये होगी। इसके साथ ही मंत्री सिलावट ने सांवेर की जनता का आभार भी माना और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के वचन पत्र को पूरा करने की बात भी कही। ये जिम्मेदारी मुझे नहीं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर को मिली है। बिना आपके आशीर्वाद से, बिना आपके सहयोग से कोई भी काम पूरा नहीं होगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस नेता लकी अवस्थी के साथ अपनी विधानसभा सांवेर के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।